छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग के तमाम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। विद्युत मंडल आवासीय परिसर गुड़ियारी पहुंचकर सैकड़ों कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान पवार ने कंपनी के एकीकरण निजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने की मांग की। पावर कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और साथ ही चिकित्सा सुविधा के साथ ही कार्यालय और तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति की मांग इन कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। नियमित संविदा ठेका कर्मचारियों के लिए 50 लाख के विशेष बीमा जैसी पैकेज की 12 मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। सीधी